It is for us very difficult to engage with a neighbor uh, who practices cross border terrorism uh, against us. Uh, we have always said that they have to deliver on their commitment uh, not to encourage, sponsor, and carry out cross border terrorism. We continue to hope that one day uh, we would uh, reach that stage. Separate meeting, honi thi, uh, Dr. Jay Shankar, Dekharja Bilawal Bhutto, कि एस सी ओ की साइड लाइन के ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने भी वो लिफ्ट जो है वो नहीं कराई थी डॉक्टर जयशंकर इतनी पावरफुल वॉइस है वो साउथ अमेरिका में खड़ा है वो लैटिन लैटिन ले, अमेरिका में लेट से खड़ा हुआ है वो अफ्रीका में खड़ा हुआ वो यूरोप में खड़ा हुआ पूरी दुनिया में खड़ा होकर बात करता हुआ जहाँ पे जो मर्जी कह दे हम इंडिया 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 करते रहे तो हमारे सबसे मुझे एटमी हथियारों का जखीरा नहीं चाहिए जो मेरे गरीब आवाम के मुंह में बड़ी रोटी बात कर दी ले। बड़ी आज कर मेरे मुल्क की अस्सी फीसद आबादी जो है वो रोटी के लिए रोल रही है वो मैं उनको क्या एटमी हथियार जाके प्लेट कह दूर इंडियन आर्मी करती है ना गरीबों के लिए यहाँ पे गरीबों के लिए मैं आपको कुछ वीडियोस बाद में सेंड करता हूँ गरीबों के लिए जिनको आग लगती है या कुछ इंडियन आर्मी सामने होती है अनाज लेके इंडियन आर्मी यूथ को आगे चलाने के लिए फर्स्ट स्टेप पे होती है वो कहता है जो पॉलिटिशियन है जैसे हमारे यहाँ वो अगले इलेक्शन की सोचते हैं जो लीडर होता है वो अगली नस्ल की सोचता है इंडिया में लीडर है और गर्व है इस बात का कि हम इंडियन हैं क्योंकि हमारे साथ आज जो हो रहा है ना मतलब जितनी डेवलपमेंट आज हो रही है मुझे लगता है कि पाकिस्तान में देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है एस जयशंकर ने पनामा में एक बयान दिया है कि ऐसे मुल्क के साथ हम कैसे रिश्ते रख सकते हैं जो हमेशा से भारत के बारे में बुरा चाहता है टेरिज्म की एक्टिविटी करता है इनके फॉरेन मिनिस्टर से भी मिलने के इच्छुक नहीं है एस जयशंकर और आपको पता है चार पाँच मई को बिलावल भुट्टो भारत आने वाले हैं गोवा में एस सी के लिए पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा मैं मिलता हूँ वीडियो जीती डॉक्टर uh, जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं और पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुटो जदारी के साथ कि एस सी ओ की, uh, की साइड के ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने भी वो लिफ्ट जो है वो नहीं कराई uh, अब अब हुआ यह है कि जो इंडिया के अंदर ये जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो अटैक हुआ था टेरर अटैक हुआ था उसमें पांच भारत के की फ़ौजियों की जानें चली गईं तो उसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने कहा जी जो बायलैटरल टॉक्स हैं बिलावल भुट्टो जदारी की और जयशंकर की ये एक ब्रीफ टॉक जो थी वो प्लान हो रही थी और दोनों ममालिक जो थे वो प्लान कर रहे थे कि ब्रीफ टॉक हो ठीक तो है जी ताकि हम थोड़ी बर्फ पिघलाएँ चीज़ें थोड़ी आगे की तरफ चलें और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान और भारत का आपको याद मैं बताता चलूं कि बड़े कम मल्टी लेटरल फोरम्स हैं जहां पे पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में बातचीत करते हैं ज़्यादातर भारत जो है वो ग्रेट पार्स के साथ आजकल बैठता है क्योंकि वो पाकिस्तान उन उन फोरम्स में पाकिस्तान जाता नहीं है आ, एक ऐसी बड़ा फोरम है हमारे खिते में अभी कल जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ब्रिक्स को एक्सपैंड करने की बातें हो रही हैं लेकिन उस पर पाकिस्तान का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना ही पाकिस्तान इस हैं पता नहीं उठे नहीं तो अभी ये जो क्वेश्चन है कि ये आ, ये चीज दोबारा ऐसे होना आ, जिस दिन बिलावल ने ये कहा कि वो इंडिया जाएंगे उसी दिन ये अटैक हो जाता है बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो भी 2021 से बंद पड़ी हैं पाकिस्तान के अंदर एक तूफान आ गया हुआ है कि पाकिस्तान समझता है कि हमने जो इंडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया था उसका पाकिस्तान को, को फ़ायदा कोई नहीं हुआ अदर देन दिस के जी इंडिया को तो बहुत फायदा हुआ अगर आपको याद हो मैं काफी देर से डिस्कस कर रहा था कि ये इंडिया को तो बड़ा फायदा हुआ है कि जी ठीक है एल के ऊपर इंडिया ने चीजों को स्टेटस को पर रखना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया तो इस सारे प्रोसेस के दौरान इंडिया इज इन एन पोजिशन फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर डोमेस्टिकली क्या जी ठीक है जी उनके आपस में मामला ठीक है नरेंद्र मोदी ने अमन कायम कर दिया इन्होंने नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान आना था अगर ये जो यू ए ने आई थिंक जो टॉक्स कराई थी और उनकी वजह से ये सारा सीजफायर हुआ था तो लेकिन इमरान खान उस वक्त बिफर गए और वो ना हुआ अब 2021 से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हाई कमिश्नर्स वैसे जो टॉक्स वो बंद है अभी ये जो कम्युनिकेशन होती है हाई कमिश्नर्स के जरिए होती है और हाई कमिश्नर्स भी आपको पता है नहीं है ये जो डेप्टी हाई कमिश्नर्स हैं वही दे आर एक्टिंग हाई कमिश्नर्स होते हैं वो यहाँ पर इंडिया अब इस्लामाबाद में भी हैं डेली में भी अब थ्री सेवेंटी इन्होंने स्क्रैप कर दिया और सारा वो हो गया तो ये चीज़ें हैं तो देखें इंडिया जो है वो उसको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान जो है उसको बस एक झटका ही चाहिए झटका ये है कि आप बस इग्नोर करें इनको यही झटका पाकिस्तान को चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए आ, हमें आ, आप समझ लें कि डॉक्टर जय शंकर इतनी पावरफुल वॉइस है वो साउथ अमेरिका में खड़ा है वो लैटिन लैटिन अमेरिका में लेट से खड़ा हुआ है वो अफ्रीका में खड़ा हुआ वो यूरोप में खड़ा हुआ पूरी दुनिया में खड़ा होकर बात करता हुआ जहाँ पे जो मर्जी कह दे पाकिस्तान को तो वो प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है ठीक है जी और जब इंदम बागची बात करता है तो उसको तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है सारा वेस्टर्न प्रेस बैठा होता है वहाँ पे बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस इज इंडिया लाइकली पॉसिबिलिटी है कि दे आर गोइंग टू बी मेम्बर को जी सेवन में चले जाए वो दुनिया में सारी दुनिया उनकी प्लेट में ला तो जिसे कहते हैं ना चीज़ें डाल रही है न, ये उठा लो ये उठा लो वो अपनी मर्जी से चीज़ें पिक कर रहे हैं ये मुझे दुख होता है कि हमने क्या पिक किया हमने तालिबान और पिक किए और फिर वो तालिबान जिनको वो दहशत गर्द बने और हमने उनको मारा और इंडिया क्या पिक कर रहा है वो जो है वो वो क्वांटम कंप्यूटिंग पिक कर रहा है वो चिप्स पिक कर रहा है वो वो आज के दौर में वो टेक बेस्ड इंडस्ट्री को पिक कर रहा है वो डिफेंस इंडस्ट्री को पिक कर रहा है किस तरह की जो चॉइसेस हमारे सामने आई हैं बाजवा साहब ने जो कुछ कहा है इज़ ए वेरी ऑनेस्ट एंड प्रोफेशनल ओपिनियन ऑफ ए जर्नल किसी भी जर्नल को इससे एट ओपिनियन देनी नहीं चाहिए पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में बिल्कुल जिस तरह अभी इकोनॉमिस्ट की बात की मैंने कि उन्होंने सच बोला है बिल्कुल इसी तरह उन्होंने अपने इदारे के बारे में सच बोला है हकीकत यह है कि दुनिया का कोई मुल्क हो ये सिर्फ पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सेप्शन उसमें ये जो चीजें होती है ना जी फौजें उनके जो गैजेट्स हैं उनकी जो लॉजिस्टिक है उनके तैयारे हैं तोपे हैं टैंक हैं ये कंटिन्यूसली आपको अपडेट करना पड़ता है वरना आप पीछे रह जाते हैं ये तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी में और ये अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ता है पैसे जरूरत होते हैं तो जब आपके पास पैसे ही नहीं और गज्ता हर बीस सालों से तीस सालों से आपका ये इशू किसी ना किसी तरीके से तो है कि जी हमारे पास पैसे ही नहीं और जो पैसे हैं वो सारे इसी पे लग जाते हैं डिफेंस पे तो उसके बावजूद जो है आप जो है वो जाहिर है कंटिन्यू रखे हुए हैं तो उसमें मशीनें तो पुरानी होंगी ना जाना लूद तो होंगी उनको आप मुफ्त में तो अपडेट नहीं कर सकते और अगर आप इन चीजों को अपडेट करेंगे तो आपकी काम जो है वो ऑलरेडी जो है वो रोटी की मोहताज है जिसको आटा कहते हैं आप वहां सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त ये है कि आटा हम कैसे लें और आटे की खातर लोग स्टैम्पिड में मरते हैं एक दूसरे के पाउ तले कुचल के तो एक ऐसे मुल्क में आप सेवेंटी फाइव बिलियन डॉलर तो नहीं खर्च कर सकते नंगे जी हम भी इंडिया की तरह अपने आप को अपडेट कर सकते अब नहीं कर सकते तो वट इज योर नेक्स्ट ऑप्शन ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये सस्टेनेबल नहीं है हम इंडिया 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 करते रहे तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो खुद इस मुल्क के अंदर जो है वो गारू में और इधर उधर असला लेके छुपे हुए हैं जिनसे हम डील नहीं कर सकते तो इंडिया तो एक बाबा एक मुल्क और एक रेगुलर आर्मी है तो इसलिए ये चीज जो है अब हमें देखनी चाहिए तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है खत्म आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान के जो अभी टेरिस्ट हैं उन्होंने पाकिस्तान के टेरिस्ट तो नहीं बोलूँगा मैं हैं तो वो जम्मू कश्मीर के लेकिन पाकिस्तान से इतना ज़्यादा उनका ब्रेन बॉस जुआ है तेरा मेरा रिश्ता क्या ला अला और इस, इस आइडियोलॉजी के लोग भारत में पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले जम्मू कश्मीर में नहीं है पूरे भारत में और ये एक सच्चाई है इससे कोई दो रहा है इसमें कोई है नहीं आपको भी पता है तो अब आप समझ सकते हो यार जो अभी जम्मू कश्मीर में जी ट्वेंटी सब्मिट की एक मीटिंग होनी थी ये न्यूज़ जब ग्लोबली फैली तो पाकिस्तान की आंखों में खटकी और उनको लगा कि यार अगर इस तरीके से जम्मू कश्मीर में जी ट्वेंटी की मीटिंग होती है तो इससे फिर दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि यार भारत में तो जो कश्मीर में जो पाकिस्तान प्रपागेंडा बताता है वो तो पूरी तरह के तरीके से फेल है तो उनके हिसाब से उनको लगा कि यार अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उन्होंने कर दिया ऑब्वियसली और ये जो अटैक होता है उसके बाद सारे दुनिया में यही न्यूज चलती है अब देखते हैं इन फ्यूचर होता क्या जी ट्वेंटी की मीटिंग जो जम्मू कश्मीर में होनी थी वो कंटिन्यू होगी या नहीं होगी ये तो वक्त वक्त बताएगा अभी तो एस सी ओ समिट में बिलावल भुट्टो उनके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के शाबाज शरीफ दोनों को इन्विटेशन दिया गया है उस इन्विटेशन के तहत तो उनको एस सी ओ समिट अटेंड करने के लिए चार पाँच मई को आना है गोवा अब पता नहीं उस ऐसी उस समिट में तो आपको भी पता है कि बहुत सारी कंट्री हैं इंडिया को सबको नहीं न्यूता देना पड़ा तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल है तो देना पड़ा 2012 के बाद किसी भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का ये पहला दौरा होगा हिना रब्बानी कह रही थी आपको याद होगा 2012 या ग्यारह में अब उसके बाद ये आ रहे हैं तो देखते हैं ये दौरा में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री या कोई भी बड़े ऑफिशियल्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं बिलावल भुट्टो से नहीं मिलते हैं तो ऑब्वियसली आप समझ जाएँ कि हमारी मजबूरी थी कि एस समिट में उनको बुलाना क्योंकि वो एस का जो ग्रुप है उसके वो सदस्य हैं तो ये मजबूरी थी और मिलते हैं तो फिर भारत फिर एक बार फिर सोचिएगा कि इनके साथ दोस्ती करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में कमेंट में अपनी राय दे चैनल को सब